अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते, वो तो इंडिया अपने बाय चॉइस रहे हैं। अब आप बैठे हुई हैं, क्या आप बाह या औरत नहीं है जी? आपका पर्दा किसे कहते हैं? जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात, और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा नकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी। देखिए बिल्कुल यही बात है ना, कि वही तो हम कह रहे हैं, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर वही चीज इस्लामाबाद के अंदर कोई लड़की कर ले, लाहौर कराची में कर ले, तो उसको हम बुरा क्यों समझते हैं? अच्छा, दूसरी जगह पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है, जब एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाले चुप थे, मगर भारत में हिजाब में बहादुर बेटी के लिए नारा तहसीन बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है पाकिस्तान का, खास तौर पर। तो जब हम बात पाकिस्तान में बैठ के करते हैं तो फिर हमारी वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी, जब अपने मुल्क के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बापर्दा जो औरतें जो जो हिजाब ले रही हैं उनको तवायफ और क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो हमारी बात में वजन नहीं होता, हमारी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता। मेरा ख्याल है कि बच्चन साहब ने ज्यादा बेहतर आइडिया दिया था जुम्मे के लिए। तो भारत के हर मामले में टांग अड़ाने वाले पाकिस्तान में अब जोरों शोरों से हिजाब पर एक और चर्चा शुरू हो गई है। मेरा हिजाब मेरी मर्जी, पाकिस्तान में अब मौलाना जबरदस्ती लड़कियों को हिजाब पहना रहे हैं और ना पहनने पर उन पर बहुत जुल्म किया जाता है। आज की वीडियो में खुद हिजाब ना पहनने वाली और भारत को हिजाब पर भाषण देने वाली एंकर फिजा खान का उस वक्त मुंह उतर गया जब एक मेहमान ने उसको आड़े हाथों लिया। उसके मुंह से बेहया शब्द सुनकर फिजा खान घबरा गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि भारतीय मुस्लिम भारत में रहना ही पसंद करते हैं, उनको वहां पे सब राइट्स मिले हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अगर आप इतने ही अच्छे होते तो 1947 में वो आपके साथ ना आ गए होते, उन्होंने भारत को चुना। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। इंडिया के अंदर एक तबका वो ये कह रहा है कि जनाब आप ये करें कि आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तो बात ही ना करें। जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्योंकि मजहबी सियासी रहनुमा है भारत के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात, और दूसरा कहा कि आपके यहां भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो तारण साहब इसमें क्या ये भारत के जो मसला होता है उसको पाकिस्तान बहुत उठाता है, इस तरह पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि आपके वहां पे हिंदू जो है उनको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें? देखें जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे उनका मसला तो इंटरनल प्रॉब्लम इंडिया का। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते, वो तो इंडिया अपने बाय चॉइस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है, ऐसी कोई इसमें कोई ढगी छुपी बात नहीं है, लेकिन क्या ख्याल है वो अब इसको जवाब हो, लेकिन एक जो इशू है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज 25 करोड़ नहीं है, और ये भी ये कोई उसका रीजन नहीं है कि अगर कम है तो उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जगह पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है, जब एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाले चुप थे, मगर भारत में हिजाब में बहादुर बेटी के लिए नारा तहसीन बुलंद कर रहे हैं। तो जब हम बात पाकिस्तान में बैठ के करते हैं तो फिर हमारी वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी, जब अपने मुल्क के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बापर्दा जो औरतें जो जो हिजाब ले रही हैं उनको तवायफ और क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो हमारी बात में वजन नहीं होता, हमारी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता। लोग फिर ये कहते हैं कि पहले आप अपने घर में तो देखें आप खुद क्या कर रहे हैं औरतों के साथ, और जो औरतें हिजाब ले रही हैं उनके ऊपर किस किस्म की जो है आप जबान इस्तेमाल करें, वो दोहरा मेयार भी समझा जाता है कि हम अपने लिए क्या राय रख रहे हैं फिर दूसरों के लिए किस राय का इजहार कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड है वो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कुछ और हो, इंडिया में कुछ और हो, वेस्ट में कुछ और हो, वो पूरी दुनिया ने तय कर लिया है कि इंसानी हकूक है क्या जो यूनिवर्सल है। खजाना साहिबा, क्या अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा नकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी?
देखिए बिल्कुल यही बात है ना, कि वही तो हम कह रहे हैं, मतलब यही तो औरतें कह रही हैं कि एक औरत अगर हिजाब में रहना चाहती है तो उसका हक है ना, उसको हिजाब में रहने दिया जाए। जो हिजाब नहीं लेना चाहती, एक औरत काम नहीं करना चाहती, ठीक है, वो घर में रहना चाहती है, उसका हक होना चाहिए। एक औरत काम करना चाहती है, माशी तौर पर बाख्तियार होना चाहती है, तो उसका भी हक होना चाहिए। सब मुसलमान औरतें जो 8 मार्च को औरत मार्च करती हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना, जैसे अब आप बैठी हुई हैं, क्या आप बाहया औरत नहीं है? आपका पर्दा किसे कहते हैं? मतलब ये लोग तो फिर आपको, मुझे, जिनके सर ने ढापे हुए, उनको, उनके ख्याल में ये सब, हम सब बेहया औरतें हैं और हम सब हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं और हम इस्लाम से, मतलब हम सब ने अपनी कब्र में पढ़ना है ना। और इन मर्दों को देखें कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, आंख का पर्दा है, अब जो है हया जो है वो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। आए दिन आप देखें ये जो हल्के औरत मार्च के ऊपर, औरत मार्च में निकलने वाली औरतों पे जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आज तक कभी सुना इन्होंने कि जब औरतों के ऊपर तेजाब गर्दी होती है, जब औरतों के रेप होते हैं, जब औरतों के गले काटे जाते हैं? अभी आप देखें कितने मुफ्ती हजरात होंगे जिन्होंने ये इन इश्यूज के ऊपर कभी इन्होंने जुलूस निकाला हो? कोई एक मुझे बता दें, कोई मजहबी ग्रुप, कोई ऐसा मजहबी ग्रुप, कोई ऐसा मजहबी जमात जो है जो इस्लाम का बड़ा नाम लेते हैं, कि वो इस इश्यू के ऊपर उन्होंने कभी कोई जुलूस निकाला? लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्यों चेंज होता है कि अगर मुस्कान इंडिया में कहीं पे, मतलब कर्नाटका में उसने मतलब बात की या फिर नारेबाजी की, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर वही चीज इस्लामाबाद के अंदर कोई लड़की कर ले, लाहौर कराची में कर ले, तो उसको हम बुरा क्यों समझते हैं? वजह क्या, इसमें फर्क क्या? आप खुद क्योंकि फीमेल है, जर्नलिस्ट है, वर्किंग, तो ये चीजें यकीनन आपने भी देखी होंगी, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड है हम लोग? मैं ये जरूर कहूंगी कि डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है पाकिस्तान का, खास तौर पर, और बाकी चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, एक तरह के नौटंकियां और ड्रामे करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप कभी किसी ऐसी जगह पे हमें नहीं पाएंगे जहां पर कोई एजुकेशन की बात हो रही हो, कोई किस्म का मुकाबला चल रहा हो, कोई कंपटीशन हो एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ इस तरह के ड्रामे नौटंकियां हम जरूर करते हैं। जहां तक हिजाब की बात है, हिजाब हर एक का अपना जाती मामला है, कौन पहनना चाहता है कौन नहीं पहनना चाहता, लेकिन जाहिर है कि स्कूल में कॉलेज में एक यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म को ही जो है वो पहना जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है जो इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे तालीमी इदारों से मिले। मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हूँ, कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह से आया हो या इस तरह से हिजाब लिया हो या इस किस्म के ड्रामे किए हों, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब अगर आप एग्जाम्स देने जाते हैं और आपने इस तरह से अपने फेस को कवर किया हुआ है तो आपकी जगह कोई और भी बैठकर आपका पेपर दे सकता है क्योंकि आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। और इस तरह की दो नंबरियां जो हैं वो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में अक्सर होती हैं। वैसे तो खैर अमिताभ बच्चन जी ने जुम्मे के दिन कोई और ही काम बताए थे अपनी मूवी हम में, अब आई डोंट नो आपने वो देखी है कि नहीं देखी, लेकिन नहीं देखी तो जरूर देखिए, नहीं तो गाना तो सुना ही होगा जुम्मा जुम्मा, तो वो मेरा ख्याल है कि बच्चन साहब ने ज्यादा बेहतर आइडिया दिया था जुम्मे के लिए,